गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अश्विनी रहती है वो आरोही के साथ डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर अश्विनी का ट्रीटमेंट हुआ होता है। और आरोही बहुत सारे सवाल अपने डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर उसे बहुत सारे सवालों के जवाब देता है और वो कहता है कि अश्विनी नॉर्मल गर्ल की तरह लाइफ नहीं जी सकती है अगर आप जैसा चाहती हो, क्योंकि गर्ल कुछ नेचुरली होती है और कुछ आर्टिफिशियल होती है। हमने आर्टिफिशियली उसे गर्ल तो बनाया है, बट जो आप नेचुरली प्रोसेस का वेट कर रही हो वो पॉसिबल नहीं है। और पिछली बार किसी डॉक्टर ने ये सब चीज़ें करी थी और उस ट्रांस गर्ल की डेथ हो गई थी इस ऑपरेशंस में। तो ये रिक्स अभी तक सक्सेसफुल नहीं है, यूट्रियस ट्रांसप्लांटेशन अभी तक सक्सेसफुल नहीं है। और ये बात पे आरुई कहीं ना कहीं अपसेट हो जाती है। लेकिन जब वो वापस घर की तरफ जा रही रहती है तो वहाँ पर जो अश्विनी रहती है वो बच्चों के साथ क्लासिकल डांस करने लगती है। और उसी समय पे वो फ्लैशबैक पे जाती है और फ्लैशबैक पे जाके उसे याद आता है कि उसे ये डांस करना कितना पसंद था और कितने अच्छे से करती। पर स्कूल में जब उसके इस डांस का इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और टीचर उसे चांस ही नहीं देती है, तब आरोही के पास अश्विनी आकर बहुत सी चीज़ें बताती है। और आरोही कहती है कि मैं नेक्स्ट डे स्कूल जाकर तुमसे बात करूँगी। अब उसके आगे आरोही ये बोलकर अश्विनी को हक करती है और अश्विनी को बोलती है, तू बाकी सब चीज़ों से इतना टेंशन क्यों लेता है, जो टैलेंट तेरे अंदर है उसे कोई भी नहीं छीन सकता है और तू बाकी लड़कों से थोड़ा सा डिफरेंट है, बस सिंपल। और डिफरेंट चीज़ें ना लोगों को पसंद नहीं आती है, वो लोग ना, वो तूने देखा है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भेड़ की चाल की तरह एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो किसी को फॉलो नहीं करता है। तेरे अंदर जो यूनिक क्वालिटी है वो यूनिक ही है और इसलिए लोग हमेशा से डिफरेंट लोगों से चलते हैं। अरे अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी तो लोग बेवकूफ़ कहा करते थे और ये बोला करते थे कि इस बंदे को तो कुछ भी नहीं आता है, पर वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट था और कितना अच्छा था, वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बना, यहाँ तक कि उसकी टीचर ने तो उसको स्कूल से तक निकाल दिया था। और ये बोलकर कि आपका बेटा बेवकूफ़ है, कुछ काम का नहीं है, लेकिन उसकी मॉम ने उस पर भरोसा रखा। मुझे तुझ पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और मुझे ये चीज़ पता है कि जो तू करेगा वो बहुत अच्छे से कर सकता है, तो तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं कल जाऊँगी। तो कहता है आरोही, कल कॉलेज में जाकर होगा भी क्या यार इससे। तो वो हंसते हुए बोलते हैं, क्या होगा मतलब क्या है, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं क्या, तुझे लगता है कि मैं कोई चीज़ हैंडल नहीं कर सकती हूँ। आरोही बहुत प्यार से अश्विन की तरफ देख के बोलती है। अश्विन बोलता है, यार वो तो तू कर सकती है बट यार वो नहीं मानेंगे। तो कहती, चल यार कल का कल देखते हैं, अभी तू तक टेंशन मत ले, रो मत। तो कहता है, तू कल पक्का चलेगी? तो कहती है कि हाँ मैं पक्का चलूँगी, पिंकी प्रॉमिस, अश्विन बोलता है। तभी आरोही हंसते बोलती, हाँ बाबा पिंकी प्रॉमिस। और ये बोलकर जो आरोही रहती है वो हक करती है अश्विन को और उसके आंसू पोंछती है और उसे बोलती है, चल अब तू थोड़ा सा पढ़ाई में भी फोकस कर ले, मुझे कोचिंग क्लासेस जाना है, मैं जा रही हूँ। और ये बोलकर आरोही वहाँ से चली जाती है। कोचिंग क्लासेस में वो जाती है और वहाँ पर एक टीचर रहती हैं जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं आरोही को। आरोही उनकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मैम आप मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हो, आपने मुझे लाइफ को देखने का एक अलग ज़रिया दिया है, आपकी साइकोलॉजी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हो? तो तभी वो मैम कहती हैं, क्या हुआ है आरोही, ऐसा क्या हो चुका है? मैम मैं किसी चीज़ पर कन्फ्यूज हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? तो तभी आरोही का हाथ पकड़ते हुए मैम उसे बोलती है, चलो मेरे साथ मेरे कैबिन में, वहाँ बात करते हैं। और वो लोग कैबिन में जाते हैं। जो मैम रहती हैं वो एक्चुअल में साइंस पढ़ाती थी, मतलब वो बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों पढ़ाती थी और वो काफ़ी अच्छी थी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, और उसी की क्लासेस लेने के लिए हमारी आरोही उनके पास जाती थी। आरोही मैम को कहती है कि मैम क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक लड़का है जिसे अंदर से वाइब्स ऐसी आए कि वो लड़की है, उसे लड़कियों वाली हरकतें पसंद है और ये सब चीज़ें, क्या वो ऐसे इंसानों को क्या मतलब क्या क्या बोलते हैं? तो वो कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्या बोलते हैं आरोही, मतलब वो भी तो ह्यूमन बीइंग है,
उसको क्या बोलते हैं मतलब, तो कहते हैं मैम मैं आपको फ्रेंकली बताती हूँ, मेरा दोस्त है अश्विन। तो कहती है कि हाँ, और अश्विन बहुत अच्छा डांस करता है, क्लासिकल डांस उसे काफ़ी अच्छा आता है, एंड ही इज़ गुड इन दैट। बट उसके जो मतलब स्कूल वाले हैं वो उसे लेकर ही नहीं जा रहे हैं और उसे डांस करने नहीं देते, और वहाँ के जो बच्चे हैं उसके क्लासमेट वो उसे मीठा, छक्का, बीच का, हिजड़ा, ये सब बोलते हैं। तो मैम बोलती हैं ये तो बहुत गलत बात है, किसी को इस तरीके से बोलना तो बहुत गलत बात है आरोही। तो कहती है एग्जैक्टली मैम, बहुत गलत बात है मैम, मैंने अश्विन से कल वादा किया है कि मैं उसके स्कूल में जाकर उससे बात करूंगी, तो क्या आप मेरे साथ चलोगी? तो कहती पर बेटा मेरा तो तुम्हारे साथ कोई लिंक नहीं है। मैम किसी को समझाने के लिए किसी का लिंक होना ज़रूरी होता है क्या? आप टीचर हो और एक टीचर से जब आप बात करोगे तो एक चीज़ें कन्वेंस या कन्वे आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, शायद हम स्टूडेंट होके नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज़ मेरी हालत समझे हो ना, मैं अश्विन को इस तरीके से रोता हुआ देख के या उसका टैलेंट को वेस्ट होते हुए नहीं देख सकती हूँ, प्लीज अलाउ अस। तो तभी वह कहती हैं ओके फाइन, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, ठीक है तुम टेंशन मत लो। फिर नेक्स्ट डे का होता है, जब स्कूल का टाइम होता है तब अश्विन जाता है और वो फिर से मैम के पास जाता है एनुअल फंक्शन के लिए और कहता है कि मैम मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, आप मुझे डांस करने दो। तभी वहाँ पर मैम एकदम से चिल्ला देती हैं और गुस्से में चिल्ला के बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, लड़कियों के डांस में तुम क्या लड़कियों की तरह डांस करोगे क्या? कैसी बकवास हर बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आता तुम्हें? तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाओ तुम, तभी मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगी। मेरे पीछे पड़ चुके हो तुम एक ही चीज़ को ले लेके कि मैम मुझे डांस करना है डांस करना है। अरे लड़के हो लड़के जैसे रहो ना, क्या बन रहे हो खुद ही को नहीं पता है, क्या हरकतें कर रहे हो पता नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कैसे टॉलरेट कर देते हैं, समझ में नहीं आता है ना तुम जैसे बच्चों के बारे में पेरेंट्स ध्यान क्यों नहीं देते हैं, क्या बन रहे हो तुम? इस तरीके से वो बहुत जम के चिल्ला देता है और अश्विन की आंखों में से उस समय आंसू आ जाता है। तभी वहाँ पे आरोही एकदम से पीछे आती है और आते से चिल्लाती है मैम इनफ इज इनफ, आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हैं कि उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, कम से कम उसके पेरेंट्स आपकी तरह बायस तो नहीं है ना कि जो टैलेंट में भी बायसपना दिखाते, लड़की है तो वो ये काम कर सकती है, लड़का है तो वो ये नहीं करेगा, टैलेंट टैलेंट होता है उसमें कोई बायस नेचर नहीं दिखाया जाता है, लेकिन आप तो वही कर रहे हो ना, और वैसे भी आप इस तरीके से कैसे इंसान को जज कर सकते हो, कैसे बोल सकते हो, और आप ये चीज़ों का कर रही हैं। तभी वहाँ से वो मैम चिल्ला के बोलती हु आर यू, और तुम यहाँ कैसे आई हो ये कॉलेज में, तुम तो यहाँ की स्टूडेंट भी नहीं हो। तभी वहाँ से आरोही कहती है हाँ मैम मैं यहाँ की स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरे दोस्त की बेइज्जती सबके सामने कर रही हैं, आप एक टीचर होकर अगर उसकी कला का उससे की चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करेंगी, उल्टा डीमोटिवेट करती जाएंगी तो लोग तो उसका मजाक ही उड़ाएंगे ना, आप जैसे टीचरों की वजह से उसे ह्यूमिलेशन सहन करना पड़ रहा है, आप लोगों की वजह से उसे लोग आकर क्या कहते हैं। तो तभी वो कहते हैं मेरी वजह से मैम चिल्लाती हैं, तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली, गेट आउट, सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड निकालो यहाँ से आरोही को, ऐसे करके वो बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जो अश्विन होता है वो भागते हो जाता है, आरोही आरोही क्या कर रही है तू, तो कहती है रुक जा। तभी वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम से आ जाते हैं और तभी वहाँ पर एक मैम आकर बोलती हैं स्टे अवे, हाथ भी लगाया ना बच्चों को तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तभी वो वहाँ खड़ी होती है और प्रिंसिपल मैम के साथ आती है और आकर बोलती है आई थिंक मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, मैं इस स्कूल की ऑलरेडी टीचर हूँ और जहाँ पर मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एज अ स्कूल में आपसे मिलने आई थी ये जानने के लिए कि आप मेरे एक स्टूडेंट के बेस्ट फ्रेंड के साथ थोड़ा सा बायस नेचर कर रहे हो। मैम आप तो प्रिंसिपल मैम हैं, आपको तो मैं हर चीज़ समझा चुकी हूँ कि कला का कोई भी आकार नहीं होता है, कला तो हमेशा से बहुत मतलब कला जो होती है वो सबके लिए एक जैसी होती है, किसी किसी को भी आ सकती है। अगर आपको खाना बनाने की बात करो
तो खाना बनाना, तो सबसे अच्छा खाना तो बावर्ची बनाता है, और बावर्ची एक मेल होता है। अगर आप कोई अच्छे रेस्टोरेंट पे जाओ, वहाँ पर शेफ़ आपको मिलेंगे जो आदमी होते हैं, वो खाना इतने अच्छे से बनाते हैं। तो हमेशा से ये क्यों बोला जाता है कि औरतों को तो खाना बनाना ही आना चाहिए, औरत का तो काम ही है। ये लोग, आप लोगों ने ये कस्टमाइज़ कर दिए चीज़ें कि यार औरत है तो बस वो खाना बनाएगी, औरत है तो वो ये घर संभालेगी। घर तो आदमी भी अच्छे से संभाल सकता है अगर वो संभालना चाहे तो। कला और किसी भी चीज़ का कोई जेंडर नहीं होता, हम कैसे आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। एंड मैम, आपकी टीचर सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को इसलिए निगलेक्ट कर रही है, बच्चों को अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि वो एक मेल है। अगर अश्विन को एक बार मौका तो दो उसकी कला देखने के लिए। अगर वो गलती करेगा तो आप उसे अच्छे से बॉयकॉट कर दीजिए, मैं उस बात पे भी एग्री करूँगी, लेकिन एक जेंडर की वजह से किसी को अलाउ ही नहीं करना, ये तो गलत बात है ना। तो तभी प्रिंसिपल मैम उस टीचर की तरफ देख के बोलती हैं कि आप ये ऐसे कैसे कर सकती हैं, आप यहाँ की पूरा एनुअल फंक्शंस को हैंडल कर रही हैं, आप एक बहुत अच्छी डांस टीचर है, आपको पता होना चाहिए कि डांस एक कला है, एक आर्ट है, और वो जो आर्ट किसी के अंदर भी आ सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। आप उस इंसान को ऐसे कैसे मना कर सकती है। और बहुत सारे ऐसे मेल आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे से भरतनाट्यम ये सब डांस जानते हैं और बहुत अच्छे क्लासिकल डांस करते हैं, आप ऐसे कैसे मना कर रहे हो। तो कहती पर मैम ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है फीमेल्स का हो रहा है, मैं उस पर कैसे अलाउ कर सकती हूँ। ये बोल के वो डांस टीचर प्रिंसिपल की तरफ बोल रही रहती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल मैम बोलती हैं पहले उसे अलाउ करती, और अगर मेल कुछ डांसर्स अगर डांस करना चाहते हैं तो कोएड कर देती। वैसे भी तो ये स्कूल भी कोएड है, तो डांस भी कोएड हो सकता था, पर आपने अलाउ नहीं किया, और आपने इस मुद्दे को इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया कि मुझे दूसरे स्कूल की टीचर आकर कंप्लेन कर रही हैं। दैट इज़ वेरी इम्प्रोफेशनल। और ये बोलकर वो उसकी तरफ देखने लगती है। तब अश्विन वहाँ पर फर्स्ट टाइम अपनी कला का प्रदर्शन करता है, और वो घुंघरू पहन के डांस करता है, और वो इतना अच्छा डांस करता है कि प्रिंसिपल मैम भी उसके डांस को देख के, इवन वहाँ पर जो मैम आई रहती हैं आरोही के साथ, वो भी क्लैप करना स्टार्ट करती है, आरोही भी क्लैप करती है, और वहाँ सारे जो बच्चे होते हैं वो तक क्लैप करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरीके से जो हमारा अश्विन रहता है उसे अलाउ होता है कि वो एनुअल फंक्शन में डांस कर सकें बिकॉज ऑफ आरोही। और अब आते हैं करंट सिनेरियो पे, जब आरोही आज फिर से अश्विनी को इस तरीके से डांस करते हुए देख रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक लड़का आता है और आके बोलता है वाओ मैम यू डू अ वेरी गुड डांस, काश मैं भी लड़का होता और काश मैं भी इतना अच्छे से डांस कर पाता, नहीं काश मैं भी लड़की होती और मैं इतने अच्छे से डांस कर पाता। तभी वो टर्न होती है और बोलती है कि डांस करने के लिए कला होनी ज़रूरत होती है, जेंडर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, और लड़का होके भी डांस कर सकते हो, बचपन में तो मैं भी एक लड़का ही थी और डांस करते हैं। तभी वहाँ पर जो कुछ लेडीज़ रहती वो कहती है तो तुम छक्का हो और तुम ट्रांसजेंडर हो, अरे छोड़ो छोड़ो हमारी बेटियों को छोड़ो, हमारी बेटियों को छोड़ो, दूर हो जाओ यहाँ, दूर हो जाओ, और ऐसे करके धक्का मारती हैं। तभी आरोही एकदम से आगे आके बोलती है ये किस तरीके का बिहेवियर कर रही हैं आप अपने बच्चों को क्या सीख दे रही हैं कि ट्रांसजेंडर से डरें। तो कहते अरे छक्कों से तो डर ही लगता है ना, हमारे बच्चों की संगति में रहेंगे तो वो भी वैसे ही हो जाएंगे। तभी वो कहते किस टाइप की मेंटेलिटी है आपकी, ये नेचुरली होता है कि छुआछूत की बीमारी नहीं है जो आप टच करें। और इस बात पर अश्विनी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है, अश्विनी इतनी रोने लगती है। तभी आरोही उसे हक करते हुए बोलती है चलो यहाँ से, ये लोग सब बेवकूफ़ लोग हैं। तभी वो कहते अच्छा हम बेवकूफ़ है और तुम्हारी ये जो हिजड़ा दोस्त है उसका क्या बोलोगे तुम। तभी वो कहती माइंड योर लैंग्वेज, ओके ढंग से बात करिए और बोलने की तमीज़ रखिए, ये ना हो कि अभी तुम्हारा ही बच्चा कभी ऐसा निकले, फिर उस दिन तुम्हारे बच्चे को अगर कोई इस तरीके से बोलेगा ना तब तुम आकर बोलना, क्योंकि तुम भी किसी और के बच्चों के साथ इस तरीके से बिहेव कर रही हो। तो कहती है मेरा बच्चा ऐसा है ही नहीं। तो कहती है खुदा का शुक्रिया है वो ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर निकलेगा ना
तब उस दिन मैं देखूंगी। अश्विनी चलो यहाँ से। आरोही किसी से ज़्यादा लड़ाई तो नहीं करती है, पर अश्विनी को लेके जाती है। अश्विनी बहुत रोने लगती है, तभी आरोही उसके आंसू पोंछते हुए बैठती है और बोलती है, तुम पागल हो क्या, तुम रो क्यों रही हो? तो कहती है, यार अब तो मैं लड़की भी बन गई हूँ, तब भी लोग मुझे इस तरीके से बोलते हैं। पहले तो मुझे लड़का होने पर इतना सब कुछ सुनना पड़ता था, अब तो लड़की होने पर भी सुनना पड़ता है। तो तभी वो कहती है, तुमने वो कहावत नहीं सुनी है क्या अश्विनी, कितना भी अच्छा कर लो इंसान बुरा ही करेगा, कितना भी अच्छा बन जाओ इंसान आपको रोकेगा टोकेगा ही। आप हर किसी के लिए अच्छे और परफेक्ट नहीं हो सकते हो, और हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो अश्विनी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कहती है, इन सब से ज़्यादा हर्ट पता है कब होता है, जब मैं एनुअल फंक्शन में डांस की थी ना, तो सबने मेरे डांस को तो अप्रिशिएट किया, पर उसके बाद मुझे सब लोगों ने आके बोला, ओए रे छक्के, ओए रे हिजड़े, तू ऐसा ही है, तू यही तरीके का है, चल तेरी दोस्त की वजह से तूने लड़ झगड़ के आ तो गया है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे लेवल का है नहीं। और उस दिन ना उसके बाद आरोही सब कुछ चेंज हो गया। वो डांस तो मैंने करके जीत ली वो झांस, पर उसके बाद मैंने सब कुछ लॉस्ट हो गया। मैंने उस दिन के बाद कभी डांस नहीं किया, उस दिन के बाद मैं कभी किसी से बात नहीं कर पाया। उस दिन से लड़कियां मेरी जो दोस्त हुआ करती थी, उन्होंने कह दिया कि तू हमारी कैटेगरी में आने की कोशिश मत कर, तू लड़का है। लड़कों से दोस्ती करी तो वो कहने लगे कि तू हमारे कैटेगरी का ही नहीं है, तू लड़की है, और ऐसे करके मुझे धक्का मुक्की करने लगे। कुछ यही समझ में नहीं आया कि मैं क्या हूँ, मुझे तो बीच में लाके खड़ा कर दिया। और आरोही उस दिन मेरी कोई भी गलती नहीं थी, अब मेरी क्या गलती है तुम मुझे बताओ। तभी अश्विनी की तरफ आरोही देखते हुए बोलती है, गलती कुछ नहीं है, और तुम खुद को गलत क्यों साबित कर रही हो, जब तुम्हें पता है कि लोग तो हज़ार बातें कहेंगे, तुम्हें सुनना भी नहीं है, और तुम्हारे पास मैं हूँ तो तुम्हें किस बात की टेंशन है, बी पॉजिटिव यार। कहती है, बहुत बुरा लगता है, पता है मुझे रेसिंग करना बहुत पसंद था, और जब मैं रेसिंग करने जाता था ना, तब वहाँ का जो पीटी टीचर था वो मुझे इतना ज़ोर ज़ोर से सबके सामने डांटता था और कहता था कि तुम लड़कियों की तरह क्यों खड़े होते हो, तुम्हारी ये जो कमर है ये ऐसी लचक क्यों रही है, स्ट्रेट खड़े हो के क्यों नहीं भागते बन रहा है तुमसे। पर मैं लड़की की तरह बिहेव करता था। तो अश्विनी को ऐसा रोता हुआ देख के आरोही अश्विनी को हक करते हुए बोलती है, अश्विनी शांत हो जाओ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें हर चीज़ों को फेस किया है, शायद मैं भी तुम्हारी जगह हूँ तो मुझे भी इतना ज़्यादा पेन होगा ही, पर अब तुम्हें स्ट्रांग बनना है, ये आंसू तुम्हें खुद को लेकर नहीं चलने हैं, तुम्हें दूसरों को जवाब देना सीखना पड़ेगा। अश्विनी हर चीज़ तुमने फेस कर ली, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यार रोने से क्या हो जाएगा, तुमने देखा ना कि अगर वो इंसान तुम्हें कुछ कह रहा था तो मैं रोई नहीं, और बुरा तो उस समय मुझे भी लगा, लेकिन मैं वहाँ खड़े होकर लड़ी ना, तो तुम्हें भी अपने लिए लड़ना पड़ेगा, कोई नहीं आता किसी के लिए। तो अश्विनी एकदम से आरोही को हक करती है और रोने लग जाती है। तभी आरोही कहती है, अश्विनी तुम स्ट्रांग बनो यार, तुम कैसे कर रही हो, तुम ऐसे छोटा सा बेबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ना, ऐसे ऐसे रोने से कुछ नहीं हो सकता, हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तभी अश्विनी एकदम से आरोही से कहती है, आरोही जिसके माँ बाप ने खुद उसको बॉयकॉट कर दिया है, उसका त्याग कर दिया है, उसे छोड़ दिया है, वो पूरी दुनिया से क्या लड़ेगा, क्या मैं लड़ सकती हूँ सबसे, जब मेरे मॉम डैड मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते हैं। तुम्हें पता है ना मुझे कितना ज़्यादा दर्द होता है कि जब मेरे ही मॉम डैड जिनकी मैं एक लौती संतान थी, उन्होंने ही मेरा बॉयकॉट कर दिया, वो मुझे नहीं देखते, वो मुझे देखना भी नहीं चाहते, उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और कैसी हूँ, मुझे तो छोड़ दिया। तुम बताओ, तुम नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती, उस दिन तो मैंने मरने के लिए भी चली गई थी। आरोही एकदम से हक करती है अश्विनी को और कहती है, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस बात का पेन होता है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ नहीं हैं, तुम्हें उतने अच्छे से नहीं रखते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बट अपने आप को इतना काबिल बनाओ अश्विनी कि जब तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारा नाम सुने तो उन्हें ये फील होना चाहिए कि मैंने अपने बच्चे के साथ बहुत बुरा किया। शायद मैं उसे इतना सपोर्ट करता या कुछ करता तो आज वो हमारे साथ खुश होते होते करती चीज़ें। और अगर जिन्होंने तुम्हें छोड़ा है उन्हें रिग्रेट फील कराओ, और रिग्रेट तुम तब फील कराओगी जब तुम अपनी लाइफ में खुश रहोगी। अगर तुम अपनी लाइफ में हर एक पल में छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोती रहोगी अश्विनी, तो ऐसे नहीं चलेगा। अश्विनी यू शुड बी स्ट्रांग, अपने आप को स्ट्रांग करो और अपने हक के लिए खुद लड़ना स्टार्ट करो, और साथ ही साथ इतनी काबिल बनो कि जो भी तुम्हें देखे तो वो यही बोले ओ माय गॉड मैंने गलती कर दी इससे दोस्ती तोड़ के, या मैंने गलती कर दी इससे रिश्ता तोड़ के। आज अगर ये यहाँ मेरी इससे कांटेक्ट होता तो शायद मेरे लिए कितना काबिल होती है। तो तुम्हें वो बनना है। मॉडलिंग तुमने स्टार्ट की है, इट्स जस्ट अ वन स्टेप, ओके। अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ तुम्हें चढ़नी है, और जब वो तुम मुकाम हासिल कर लोगी ना अश्विनी, तब तब तुम काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, और तुम्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी है। अंडरस्टैंड ना? तो कहती है करनी तो है बट अरुई तुम नहीं होती तो। तो कहती मैं नहीं होती तो कोई और होता। अगर तुम्हारे लिए भगवान ने मुझे भेजा है तो अगर मैं नहीं होती तो कोई और भेजता, ठीक है? कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त किसी की मदद करने तो आ ही जाता है। और अब तुम ये दिमाग में लेकर मत बैठो चीज़ें। तुम्हें मैं कितनी बार बोल रही हूँ स्ट्रांग बनो स्ट्रांग बनो आरोही, जस्ट बी स्ट्रांग, ओके? अश्विनी बोलती है हाँ ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे का आंसू पोंछ रहे रहते हैं। आरोही अपने कुछ फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ उसे वो दिन याद आता है कि जहाँ पर अश्विन अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए चला गया था। अश्विन की जो लड़ाई थी वो अपने मॉम एंड डैड से हो गई थी, और वो बहुत ज़्यादा लड़ाई थी, और ये तब 19 साल का था। अश्विन उस समय 19 साल का था और उसकी बहुत जम के लड़ाई हुई थी अपने मॉम एंड डैड से। उसके डैड हमेशा से उसको सपोर्ट नहीं करते थे, ये उसे उल्टा चिल्लाते थे, उसे मारते थे ये बोलकर कि तुम लड़के जैसे रिएक्ट करने की कोशिश करो, स्टॉप टू बिहेविंग लाइक अ गर्ल। बहुत ज़्यादा मारने लग जाते, बहुत बहुत मारते हैं उसके डैड, उसे डैड इतना मारते थे कि वो रोता ही रहता है। और उस दिन बारिश हो रही थी और रात का समय था जहाँ पर अश्विन बहुत ज़्यादा अपने डैड से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और रोज़ मार खा खा के थक गया था। उसके डैड उसे बेल्ट से मारते थे और उसकी बॉडी पे वो मार्क्स दिखने लग गए थे। जो स्किन उसे इतनी ज़्यादा सॉफ्ट पसंद थी अब उस स्किन में इतने ज़्यादा लाल लाल बेल्ट के निशान रहते थे, उसे खुद से ही घिन आने लग जाती है। तो अश्विन उस दिन वहाँ से घर से भाग जाता है और भागकर एक ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है कि ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो मर जाए, क्योंकि वो तंग आ चुका था ऐसी ज़िंदगी जी जी के हर दिन मरते हुए। उसी समय आरोही अपनी स्कूटी से जा रही रहती है और वो अश्विन को देखती है कि अश्विन भागते हुए कहीं जा रहा है। आरोही अपनी स्कूटी से उसको पीछे करती है और वो देखती है कि वो इतने बड़े ट्रक के सामने आके अपनी जान देने के लिए आता है। आरोही अपनी स्कूटी को वहीं पर गिराती है और भाग कर जाके अश्विन को जम के धक्का देती है और उसे खींच कर दोनों वहाँ पर एकदम कोने पर गिर जाते हैं और ट्रक वाले से वो बच जाते हैं। पर उस ड्यूरेशन में वहाँ जो उसने गाड़ी रखी थी उसकी स्कूटी की पूरी बैंड बच जाती है और अश्विन एकदम से चिल्लाता है तुम आरोही पागल हो गया तो तुम मुझे बचाने के लिए आ गई हो। तब भी आरोही जम के थप्पड़ लगाती है अश्विन को और चिल्लाकर बोलती है तू पागल है क्या, तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या कर रहा था तू? तो वो कहता है कि यार नहीं जीना मुझे, थक गया हूँ मैं, थक चुका हूँ, तू बोलती है ना क्या हो रहा है मेरे साथ ये देख। और वो अपनी शर्ट उठाता है और जैसे वो अपनी शर्ट टी शर्ट उठाता है तो वो बोलती है ये तेरी तेरे कमर पे ये मार्क्स कैसे? कहते रोज मार खाता हूँ मैं अपने पिता से, रोज रोज मार खाता हूँ, क्या मेरी गलती है ये होना, क्या लोग मुझे इतना टॉर्चर करते हैं। तो
तभी आरोही एकदम से अश्विन को अपना हक करती है और बोलती है, हिट यार तू। ओके फाइन, बहुत हुआ ये सब चीज़ें, तू मेरे साथ मेरे घर पे रहेगा। तो कहते पागल है क्या, इतना ईजी है क्या? तो कहती है ठीक है, ईजी नहीं है, हम कुछ ना कुछ करेंगे ओके, पर ऐसे जान नहीं देना है। और वो दिन आरोही ने अश्विन को जो प्रॉमिस किया था कि तू मेरे साथ रहेगा, और वो आज भी वो प्रॉमिस निभाती है। तभी एकदम से अश्विनी बोलती है, आरोही कहाँ खो गई तुम? तो आरोही बोलती है, नहीं नहीं मैं यहीं पर हूँ, चलो चलते हैं। तो फिर वो घर जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसी आरोही उठती है तो उसकी जो अश्विनी उसके पीछे खड़ी रहती है, तो अश्विनी देखती है कि उसकी ड्रेस ख़राब हो रही है। तो वहाँ पर जो आरोही ने अश्विनी ने जो जैकेट पहनी थी वो उतारती है और आरोही की कमर पे लगाती है। आरोही बोलती क्या कर रही हो अश्विनी? तो वह कहती है कि तुम्हारी ड्रेस ख़राब हो गई है, घर चलते हैं फिर तुम कर लेना। तो कहती है ओके ठीक है, और ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट में चलते हैं तो आरोही का धीरे धीरे पेट दुखना स्टार्ट हो जाता है, उसे क्रैम्स आने लग जाते हैं और उसको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। अश्विनी उसका हाथ पकड़ के बोलती है, आरोही बस थोड़ा सा, बस थोड़ी देर हम घर पे चल रहे हैं। जैसे ही वो गेट ओपन करती है, आरोही को लेटाती है, और लेटाते हुए सबसे पहले हॉट वाटर से उसकी जो कमर होती है वहाँ पर थोड़ा सा सेकती है। तभी आरोही कहती है, पहले मुझे ड्रेस चेंज करने दो। तो अश्विनी कहती है कि हाँ तुम जाओ, और अश्विनी आरोही के पूरे कपड़े निकालती है कबर्ड से और पूरा रेडी करती है उसको देने के लिए, उसके इनर क्लॉथ्स प्लस उसके ऊपर के कपड़े सारे निकालती है और कहती है तुम वॉशरूम में चली जाओ, मैं तुम्हें दे दूंगी सब कुछ। वो दे देती है, फिर वहाँ से कपड़ों के साथ साथ वो सैनिटरी पैड भी उसका हाथ में निकाल कर उसे देती है और कहती है कि आरोही ये लो। आरोही वो सब लेती है और वापस आती है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था कि अश्विन ने ये चीज़ उसके लिए करी थी। अश्विनी ने एक्चुअल में अश्विनी आरोही की इन सब चीज़ों से पहले से यूज्ड टू थी, और जब वो अश्विन था वो तब भी ये चीज़ें करता था। याद है अश्विन को कि जब वो हॉस्टल में रहते थे दोनों, तो जब आरोही जो होती थी वो ऐसी बीमार पड़ जाती थी, और क्लास अटेंड कर रहे थे वो लोग, और क्लास अटेंड करने के बाद वो ऐसी बीमार पड़ गई थी, क्योंकि जब भी उसे पीरियड्स होते थे वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती थी, उसको क्रैम्प्स होने लग जाते थे, उसे इतना पेन होता था, इतना पेन होता था। तो वहाँ पर जो अश्विन था उसे फर्स्ट टाइम आरोही को खुद ही गोदी में उठाकर लेकर आया था, उस समय वो लेकर आया था उसे हॉस्टल तक, और वहाँ पर रुक कर उसने उसकी इसी तरीके से केयर करी थी। तो सब लोग को लगता था कि आरोही एंड अश्विन आर कपल्स, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि रियलिटी क्या थी, वो दोनों ही एक दूसरे को जानते थे। तो इस तरीके से उसको पहले से आदत थी ये सब केयर करने की, और कॉलेज टाइम पे भी वो बहुत केयरिंग था। तो इसी तरीके से आरोही की वो पूरे तरीके से केयर करता है और बहुत ध्यान से रखता है। थोड़ी देर के बाद वो जब बाहर आ जाती है तो जो अश्विनी रहती है कि वो उसके लिए बहुत प्यार से चाय वाय बनाती है, उसे खाना खिलाती है और उसे हक करती है, उसे बहुत प्यार से उसे अपने पास सुला रही रहती है और बोलती है कि सो जाओ। आरोही भी उस समय थोड़ी सी वीक हो जाती है क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था, वो सो जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड्स में देखते हैं कि क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं और आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।